दोस्त, आज एक नया टॉपिक आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसके अंदर आज हम आपके साथ लाइन चार्ट विद आरजी बैकग्राउंड कलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप कभी आरजी बैकग्राउंड कलर वाइज चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप किस तरीके से चार्ट बना सकते हैं। बेसिकली इन चार्टों का यूज आप अपने डैशबोर्ड, प्रेजेंटेशन या फिर रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो आपके सामने चार्ट है कितना स्टाइलिश है। इसके अंदर हमने इसको कलर में बांटा हुआ है कि एक गुड है, एक आपका एवरेज है, एक आपका पुअर है। मतलब अगर कोई पुअर में आता है तो हम खुद देख के बता देंगे ये, मतलब इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट है, मतलब बेकार है। जो एवरेज में आता है उसकी परफॉर्मेंस सो सो है, और जो गुड्स में आता है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो अगर आप इस तरीके का चार्ट बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, और मैं आपको इस 10 से 15 मिनट्स के अंदर इस जैसा चार्ट आपको बनाकर दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इस चार्ट को बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो बात करता है लाइन चार्ट विद आरजे बैकग्राउंड। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले मैं इस डाटा को कॉपी करता हूँ, जो मेरा मंथ है और ये मेरा सर्विस लेवल है। लेकिन हमने कुछ क्राइटेरिया रखा हुआ, जैसे स्केल की बात करें, 30 तक आएगा तो पुअर, 30 से मतलब और ऊपर जाएगा तो भी पुअर, मतलब आप कह सकते हैं 31 से 60 के बीच में आएगा तो पुअर, और 61 से 100 के बीच में आएगा तो वो कलर आपका क्या रहेगा, आपका गुड कलर रहेगा। बस आप इस चार्ट को, पूरे डाटा को सिलेक्ट करो। मैंने इसे कंट्रोल सी के साथ कॉपी करा, एक नई शीट बनाई कंट्रोल वी के साथ, पहले कंट्रोल एन करा, नई शीट बनी और कंट्रोल वी के साथ इस डाटा को पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे यहाँ पर लिखना है। मैंने यहाँ पर इक्वल डाला और मैंने लिख दिया यहाँ पर पुअर, मैंने यहाँ इक्वल लिखा, यहाँ डाल दिया मैंने एवरेज, और यहाँ इक्वल करा और मैंने यहाँ डाल दिया क्या आपका गुड। ये हमने तीनों लिख दिया। इसके बाद फॉर्मेट को सिलेक्ट करा और इसके साथ इसको इस तरीके से कर दिया। क्लियर? क्योंकि हमें यहाँ कंडीशन बनानी। अच्छा, पुअर कितनी कैटेगरी का? मैंने कहा 30 की कैटेगरी का। मैंने इसके साथ इसको लिंक कर दिया और F4 के साथ मैंने इसको फ्रीज कर दिया। इसके बाद मैंने इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद मैंने एवरेज लिया, मैंने इसे सिलेक्ट करा, मैं यहाँ गया और इसे F4 करके फ्रीज करके इसे नीचे ड्रैग कर दिया। ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद मैं गुड पर गया, मैंने इसे सिलेक्ट करा और इसे F4 करके मैंने लिंक कर दिया और इसे नीचे तक ड्रैग कर दिया। क्लियर है? आप इसका जो टोटल है वो 100% है। क्यों? क्योंकि कभी भी हमारी सेल परफॉर्मेंस 100% से ऊपर नहीं जाएगी। अब आपको एक चार्ट क्रिएट करना है, आपको इंसर्ट पर जाना है, इंसर्ट के बाद आपको चार्ट पर आना है और आप यहाँ से ले लेंगे स्टिक कॉलम चार्ट। तो मैंने यहाँ से स्टिक कॉलम चार्ट पर क्लिक करा तो ये इस तरीके का मिल रहा है। इसके बाद मैं इस कॉलम के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैंने इस तरीके से कर दिया। सबसे पहले चार्ट को मैंने सिलेक्ट करा, इस वाले हिस्से को जो मेरी गुड कैटेगरी का है, ये वाला हिस्सा मेरी एवरेज कैटेगरी का है, ये वाला मेरा सर्विस लेवल है, ये मेरा बेसिकली पुअर कैटेगरी, और ये वाला हिस्सा मेरा सर्विस लेवल है। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, इस चार्ट को चेंज कर दूंगा। मैं यहाँ पर सिलेक्ट डाटा पर जाऊंगा, डाटा के बाद जो मेरा सर्विस है उसे मैं सबसे नीचे कर देता हूँ, ठीक है, गुड को, और इस तरीके से रख देता हूँ जिससे मेरा सर्विस ये वाला ऊपर आ जाएगा, ये मेरा पुअर हो जाएगा, ये मेरा एवरेज हो जाएगा और ये मेरा गुड हो जाएगा। इसके बाद मैं इस चार्ट को सिलेक्ट करूंगा, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पर जाऊंगा और यहां से मैं जो मेरा सर्विस वाला है इसे मैं लाइन चार्ट विद मार्कर्स कर दूंगा और इसे ओके कर दूंगा। तो जैसे ओके करूंगा यहाँ मेरे ये मार्कर्स जैसा बन के आ जाएगा। इसके बाद मैं इसको क्लिक करूंगा एक्सिस को, फॉर्मेट एक्सिस पर जाऊंगा और यहां से फिल कलर मिनिमम 0 रखूंगा, मैक्सिमम 1 कर दूंगा और इसके बाद इसे क्लोज कर दूंगा, ठीक है, डिलीट हो गया। पुअर वाले को भी मैं हटा देता हूँ, हट गया। इसके बाद अब आपको करना क्या है, अब आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ ऑप्शन में आए और यहाँ जाके सबसे पहला जो इसका गैप बिल्ट है उसे 0 कर दें, तो ये जस्ट लाइक चार्ट आपको इस तरीके का दिखेगा। तो हमने इसकी जो गैप बिल्ट है उसको 0 कर दिया। 0 करने के बाद अब हमें इसमें कलर देने, कलर के लिए आप राइट नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद फिल में जाओ, फिल में जाने के बाद यहाँ से आप ग्रेडियंस फिल लो।
ग्रेडियंट फिल में जो स्टॉप बनाएंगे वो आपको दो स्टॉप बनाने, मैंने यहाँ से दो स्टॉप बनाए और इसे यहाँ कर दिया। पहला स्टॉप मैंने डाल दिया आपका रेड कलर और दूसरा स्टॉप मैंने डाल दिया इसमें लाइट दिस वन कलर। क्लियर है? लेकिन अभी इसकी रोटेशन अच्छी नहीं लग रही, तो हम इसकी डायरेक्शन में जाकर हम इसकी रोटेशन कर देंगे लीनियर अपर। तो जैसे क्या होगा, ये इस तरीके का दिखेगा, ये आपका बेड है, ये इससे ऊपर इस तरीके जा रहा है। ऐसे आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको येलो कलर करना है, तो आप ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेडियंट फिल पर जाएंगे और यहाँ से पहला कलर आप ले लेंगे अम्बर और दूसरा इसका थोड़ा सा लाइट कलर जस्ट लाइक ये पकड़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको दिखेगा। सेम आप ग्रीन कलर को सिलेक्ट करोगे, फिल में जाओगे, ग्रेडियंस फिल में आओगे और यहां से आप ग्रेडियंस फिल में सबसे पहले लेंगे आप ग्रीन कलर, मैंने जस्ट लाइक ये ग्रीन कलर ले लिया। ठीक है, और इसके बाद आखिरी में मैंने जस्ट लाइक ये ग्रीन कलर ले लिया, तो ये इस तरीके से मुझे बनता हुआ दिख गया। क्लियर है? अब हमारा ये चार्ट रेडी हो गया। चार्ट रेडी हो जाने के साथ साथ अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इस चार्ट की जो लाइन है उसे हमें सही करना है। तो हम इस लाइन पर जाएंगे, फॉर्मेट डाटा सीरीज पर जाएंगे, फिल सबसे पहले लाइन को हम सॉलिड में कर देंगे और इसे हम जो भी हमें कलर पसंद है वो और इसकी साइज को 2.5 कर देंगे। इस साइड की जो स्मूथनेस है हम स्मूथनेस लाइन में कर देंगे ताकि चार्ट हमें इस तरीके से दिखे। इसके बाद जो चार्ट का जो मार्कर्स है हम इसे सिलेक्ट करेंगे, मार्कर्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हम इसे क्या कर देंगे, इसे हम इसे स्क्रॉल में ले लेंगे, जो सर्कल टाइप है वो ले लेंगे, कलर हम सॉलिड करेंगे और यहाँ से हम क्या कर देंगे जस्ट लाइक ये कलर ले लेंगे। इसके बाद इसका जो साइज है उसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, लाइन पे गए, ऑप्शन पे आए और हमने इसके साइज को करीबन 10 पॉइंट तक कर दिया ताकि हमें इस तरीके से दिखे। इसकी जो आउटलाइन थी वो हमने आउटलाइन को नो आउटलाइन कर दिया और इसकी एक इफेक्ट के अंदर जाएंगे, शेप इफेक्ट के अंदर, और यहाँ से हम पहली वाली जो बेवल है वो ले लेंगे ताकि हमें इस तरीके से लिखे। लेकिन देखिए इसकी लाइन जो थी वो रिमूव हो गई, हम इस पर जाएंगे, फिल ऑप्शन पर आएंगे, लाइन में हम सॉलिड लाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, जो मार्कर्स की लाइन है ना, ये मार्कर्स की जो आउटलाइन है, हमने मार्कर्स की आउटलाइन की बात कर रहे थे, हमने इसे क्लिक करा, मार्कर्स पे गए और यहाँ मार्कर्स की जो आउटलाइन आती है हम उसकी बात कर रहे थे कि अगर उसकी जो लाइन आएगी आप उसे रिमूव कर दो, फिलहाल आप ये रहने दो। तो ये आपका चार्ट बन गया जिसके अंदर अब आप देख सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा काम करना है, नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करना है, मैंने ये हिस्से को सिलेक्ट करा, इसके बाद इसको जो कलर है मैंने कलर इसको बोल्ड कर दिया, साइज को थोड़ा सा बिगर कर दिया, तो जस्ट लाइक इस तरीके से मुझे ये दिखेगा। इसके बाद आप इंसर्ट पर जाएं और यहाँ से कुछ शेप इंसर्ट कर लें, चाहे तो आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। मैं वर्ड आर्ट पर गया और यहाँ से एक वर्ड आर्ट ले ली, वर्ड आर्ट में मैंने इसकी जो टॉप हिस्से को है वो सिलेक्ट करा, यहाँ से मैंने इक्वल दबाया, यहाँ मैंने लिख दिया पुअर। क्लियर? और यहाँ लिखने के बाद मैंने इसे इस तरीके से सिलेक्ट करा और उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, इसके बाद होम पर गया, होम पे जाने के बाद फॉन्ट मैंने एजेंसी एप भी ले लिया और थोड़ा से साइज को बढ़ा दिया ताकि ये पुअर यहाँ दिख जाए। इसके बाद मैंने इसे कॉपी करा और यहाँ जाकर पेस्ट कर दिया। इसके बाद मैंने इसे क्या कर दिया, इसे सिलेक्ट कर दिया A19 ताकि यहाँ पर क्या मिल जाए, एवरेज, तो मैंने यहाँ से एवरेज ले लिया। इसके बाद इसे बोल्ड करा, सेम वही बोल्ड हो गया, यहाँ से मैंने एजेंसी एफ बी नाम का फॉन्ट ले लूंगा और थोड़े से साइज को बड़ा कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद इसे मैंने कॉपी करा और कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पर रख दिया इसको गुड। ठीक है, और मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करा और इसे A20 कर दिया। ठीक है, और इंटर मार दिया। इसके बाद वही अगेन एजेंसी एफ बी, ठीक है, बोल्ड और थोड़े से फॉन्ट के साइज को हमने बड़ा कर दिया। इसके बाद फिल कलर हमने यहाँ से ग्रे कलर तो अच्छा ही लग रहा, ठीक है, जस्ट कोई नहीं, आप ब्लैक ही रखें और जस्ट लाइक इस तरीके से। ठीक है, ये आपका चार्ट रेडी हो गया। अब आपकी जैसी परफॉर्मेंस चेंज होगी, जैसे आपने इसको 20% कर दिया तो ये आपकी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। इसके बाद अगर आप चार्ट का जो भी टाइटल आपको पसंद है और वो टाइटल आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमारे लिए चार्ट का टाइटल है लाइन चार्ट विद आरजी बैकग्राउंड, हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ जाकर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसे पेस्ट कर दिया,
तो जस्ट लाइक चार्ट इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। यहां से हम फॉन्ट ले लेंगे एजेंसी एफ भी और साइज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। और आप चाहो तो इसका जो फिल कलर है वो इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई इफेक्ट देना चाहते हो तो आप उसके इफेक्ट भी दे सकते हो यहाँ पर जाके, कि आप इसकी जो इफेक्ट है वो इस तरह की हो, तो आप इसकी इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आज का चार्ट बन गया, जिसके अंदर हमने आपके साथ लाइन चार्ट विद आरजीबी बैकग्राउंड को डिस्कस करा। तो आज का टॉपिक हम यही स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू।